अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। नाजरीन, रियासत तेलंगाना जिले मेडचल मलकाजगिरी हल्के असम्बली खुतबुल्लापुर गाजुला रामाराम डिवीजन एनटीआर नगर बस्ती में मदरसे मोहम्मदिया अंजुमन इस्लामिया की जानिब से पिछले 18 साल से माह रमजान उल मुबारक के मौके पर गरीब मुस्तहिक अवाम को राशन तकसीम कर रहे हैं। आइए देखते हैं मदरसे के सदर जनाब सैयद शरफुद्दीन अजीम साहब का कहना क्या है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ईसा की तफसली रिपोर्ट। क्या देखिए आंटी, एक मिनट। हो गया, यहाँ उन्होंने आया कुछ ले लिया। नंबर कौन है? चौदह नंबर यहाँ देखो, मैं उधर बच्चे बाहर है, जरा आवाज दे दो, ये ले लीजिए।
देखो मैं एक मिनट इसके भी नहीं है वहाँ लोग। अरे बेटा जब तक वो बैठते कहाँ से बैठता हो भाई बाहर ले आएगा तो फिर मसीम का है उधर 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 अलहमदिल्ला मदरसा मोहम्मदिया इस्लामिया एंटीआर नगर सिम्बा नगर सुबुल्लापुर मंडल यहाँ मुसलसिल 18 साल से रमज़ान पैकेज जो तकरीबन 10 आइटम होते हैं जिसमें 25 किलो चावल 1 किलो बताते 1 किलो शक्कर 1 किलो दाल 1 किलो नमक खजूर आधा किलो खजूर इमली इसी तरीके से 10 आइटम दिया जाता है। ये हमारे जो 18 साल से जो मुसलसिल तावन हो रहा है हमारी बीबी मैडम जिसको नाम है नाजमा अंसारी साहिबा उनके तावन से ये हमेशा चलते आया जो 18 साल से मुसलसिल चलते आ रहा है और इंशाल्लाह जब तक उनकी कोशिश उनकी जदोजहद उनका तावन होता रहेगा इसी तरीके से मदरसे में हर साल की तरह हमेशा देते जाएंगे। रहा सूजी को तो हम तकसीम नहीं कर सकते जिसमें 48 बैग्स यानी कि 48 पैकेज दिया गया है जिसकी कीमत है 83,000 रुपये जो इतनी बड़ी अमाउंट होने के बावजूद भी उन्हीं का तावन चलते आया हमेशा और इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा जब तक है जब तक कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहेंगे। ये पैकेज इस वजह से दिया जाता है कि रमज़ान मुबारक का महीना है गरीब यतीम बेवाओं जो रमज़ान में रोजे रहने से गुरबा जो बिल्कुल रोजे रहने से कसर होते हैं जिनके पास माशी हालत कमज़ोर होने की वजह से रोजे रहने में आगे पीछे होते हैं उन्हीं को ये तकसीम किया जाता है और आगे लोग काफ़ी लोग आते हैं जो इसमें कोई बढ़ चढ़ के भी हिस्सा ले सकते हैं और कोई दूसरे लोग भी आके मदद कर सकते हैं क्योंकि कई लोग आते हैं जिसमें से आधे लोग वापस भी चले आते हैं सबकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इंसान के पास जितनी अपनी अपनी हस्तात है अलहमदिल्ला हस्तात का मतलब ये नहीं है कि 83,000 का पैकेज कोई कम नहीं होता है अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा पैकेज है ये। इसी तरीके से एक दो चार लोग आ गए तो किसी की मदद हो सकती है किसी का ज़कात का पैसा हो या किसी के मरहूम के नाम से हो तो वो लोग भी आके यहाँ पर पैकेज बना के तकसीम कर सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं भी लोगों से गुजारिश यही कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पर नहीं कहीं पर भी गरीबों की मदद कीजिए अपने से जितना हो सकता उतना अल्हम्दुलिल्लाह मदद कीजिए ताकि लोग आराम से रमज़ान गुजार सके लॉकडाउन पर परेशानी से महफूज हो सके। अब ये तो
कोरोना वायरस की जो चल रही है पीढ़ी लगातार कारोबार से परेशान है, लोहा हाल है, तो कम से कम एक दूसरे की मदद करना हमारा इस्लामी फ़र्ज है और हम कोशिश भी यही करना चाहिए दूसरों की मदद कर सकें। अलहम्दुलिल्लाह। और मैं चैनल उनके हक में ज़रा दुआ कीजिए। जी हाँ, उनके पूरे ख़ानदान के बारे में दुआ कीजिए। सबसे नाजमान सारी साहिबा, उनके हाल औलाद, उनके हक में दुआ कीजिए और बिल्कुल मुसल कोशिश करते जाइए इस वजह से कि उनका ताउन जब तक रहेगा तब तक ये लोग सबकी मदद हम करते रहेंगे। उनके हक में दुआ कीजिए सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। उनके लड़के भी परेशान हैं, ये वायरस से परेशान हैं, उनके हक में भी दुआ कीजिए। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनके हक में दुआ कीजिए। एसआरके न्यूज़ और एआर न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा हमारे मदरसे के लिए हमेशा सामने आते गए हों, और उनके चेयरमैन साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों की मदद करते जाइए, कोशिश करते जाइए, जहाँ जहाँ पर दबे हुए लोगों को ये पैगाम पहुँचाते जाइए। मैं इससे आगे कुछ नहीं सकता हूँ। बस अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबका शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया, शुक्रिया। नाजिमा अंसारी जो मैडम हैं उनके तरफ से ये सब इंतज़ाम किया गया है ताकि गुरबा लोगों तक पहुँचे, रमजान में कोई परेशान ना रहे, जितना हो सके उनसे पूरी करें। और सबसे इतिजा है कि उनके हक में ज़रा दुआ कीजिए उनके सेहत के लिए, जब तक अल्लाह उनकी हयात दिया किसी के सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं है, और हमेशा इसी मदद करते रहिए। मेरे की तौर से बात करें।